तो इस वीडियो पे हमारा आज का बेसिक टारगेट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही भयानक मॉड्यूल के बारे में, जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, बट आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे वेब ब्राउजर मॉड्यूल। तो बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की, जिसमें उन लोगों को वेबसाइट ओपन करनी होती है, गूगल ओपन करना होता है, वहाँ से डेटा उठाना होता है, कभी कभी मोज़िला खोलना होता है, कभी कभी किसी को कोई भी क्रोम खोलना होता है, कभी किसी को एज खोलना होता है, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल ब्राउज़र होते हैं, तो उन ब्राउज़र पे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमांड दे के हम लोग उनसे कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं, ये काम होता है वेब ब्राउज़र मॉड्यूल का। तो बहुत ही सिंपल सा मॉड्यूल है, सिंपल इसमें सिर्फ चार फंक्शन होंगे, एक एक करके इन चारों का काम देखेंगे। एंड आप इस मॉड्यूल को अपने किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट पे बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप वेब ब्राउजर मॉड्यूल का यूज़ करके किसी भी ब्राउजर को ओपन करके उसमें कुछ भी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में अभी आपको विकिपीडिया मॉड्यूल के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप अपने पाइथन प्रोग्राम का यूज़ करके आप उस क्वेरी के सोल्यूशंस को सीधा विकिपीडिया से अपने पाइथन की स्क्रीन पे आउटपुट विंडो पे ला सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे कि वेब ब्राउजर मॉड्यूल इन पाइथन। तो सो कॉल्ड कुछ लाइनें हैं, आप वो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड्स अ हाई लेवल इंटरफेस विच अलाउज डिस्प्लेइंग वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट टू यूजर्स, ठीक है, फालतू की चीज़ें। मगर सीन इसमें समझने वाला ये है कि जो जितना भी आपका वेब वाला ऑपरेशन होता है कि वेब से आपको कुछ ढूंढना है, कुछ सर्च करना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी ओपन करना है, या फिर किसी ब्राउजर को ओपन करना है, तो आप कैसे उस ब्राउजर पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो, वो मैं बताने वाला हूँ इस मॉड्यूल पे। तो वही काम होता है वेब ब्राउजर मॉड्यूल का, अगर आप हिंदी में समझे, देसी भाषा में समझे, तो बाकी डेफिनेशन पढ़ना है तो गूगल पे जाके सर्च कर लो। फिर यहाँ पे यूज़ क्या है इसका कि इट कैन बी यूज टू लॉन्च ब्राउजर इन अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे। अगर हमें ब्राउजर ओपन करना हो तो पाइथन प्रोग्राम का यूज करेंगे, सिंपल, विंडोज पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लिनक्स सब पे चलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान का देना है हम लोग को, यहाँ पे चार फंक्शन अच्छे से समझने हैं। तो पहला हमारा फंक्शन होता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन से आने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि वेब ब्राउजर मॉड्यूल आपके में इंस्टॉल होगा नहीं, क्या करना है, अपना CMD ओपन करना है, देन उसके बाद उसमें पाइथन लिखना है, एंड देन उसके बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल PIPINSTALL एंड देन वेब ब्राउजर। आप पिप इंस्टॉल वेब ब्राउजर लिखोगे, मेरे में पहले से प्रेजेंट है तो मेरे में डाउनलोड नहीं करेगा, आपके में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो करने के बाद आपके में डाउनलोड जब हो जाएगा उसमें लिख के आएगा डाउनलोड इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे किसे, वेब ब्राउजर को। तो वेब ब्राउजर को आप जैसे ही इंपोर्ट करोगे, तो अभी अगर मुझे यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब ब्राउजर डॉट ओपन, तो इतना बड़ा कौन लिखना चाहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट वेब ब्राउजर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम वेब ब्राउजर, स्पेलिंग गलत हो गई, इम्पोर्ट स्टार, और सब कुछ स्पेलिंग सही ना, ओके सही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम अपने फंक्शंस। तो इसमें पहला फंक्शन हम लोगों ने देखा होता है ओपन फंक्शन। तो जब भी हमें अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने किसी भी डिवाइस का कोई डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ओपन करना होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओपन। अब ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं, जैसे कि हमें मान लो ओपन करना है google.com, तो मैं अंदर यहाँ पे क्या पास कर लूँगा ओपन के अंदर google.com, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा एंड इसके बाद मेरी एज ओपन हो चुका है। एज इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि मेरे में जो एज है ये डिफॉल्ट ब्राउजर है, आपके में हो सकता है कोई और होगा। तो उस पर भी आएंगे अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या होगा मेरे में, मैं तो फायरफॉक्स चलाता हूँ, मैं चलाता ही नहीं हूँ, मेरे में एच क्यों ओपन हो रहा है, तो उस पर भी अभी आएंगे। अभी बस इतना देखते हैं कि ओपन क्या करता है, आपसे एक यहाँ पे पाथ लेगा google.com, facebook.com, twitter.com, http करके कुछ भी हो आपका, ठीक है, तो आप वो पाथ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसको यहाँ पे आपको सिंगल कोर्स में रखना है एंड ओपन फंक्शन को पास कर देना है। अगर आपने इंपोर्ट वेब ब्राउजर लिखा होता तब आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, वेब ब्राउजर डॉट ओपन देन google.com, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एज मेरा ओपन हो गया है, जिसमें गूगल हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओपन कुछ भी यार, ट्विटर डाल दो, twitter.com, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मेरी दूसरी विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें मेरा ट्विटर ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तो इसको मेरा कोई काम है नहीं, कोई इसको हटाते हैं, ठीक
ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज तो समझ गए कि वेब ब्राउजर हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउजर में कोई भी पर्टिकुलर साइट, कैसे ओपन, यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करके। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे फंक्शन में ओपन न्यू। तो आप सोचो कि ओपन न्यू क्या होता है, तो ओपन और ओपन न्यू में डिफरेंस बस यही होता है कि जो ओपन न्यू होता है ये हमारे पेज को ओपन कर देता है एक नई ब्राउजर विंडो पे। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी, देख लेते हैं अभी तुरंत। तो अभी हम लोगों ने ऐसे ओपन करा था ट्विटर, तो एक और बार ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने वो स्क्रीन हटा दी थी। अभी देखो अपना ओपन हो गया, अभी देखो यहाँ पे ओपन हो रहा होगा मेरा एच, एंड अभी हमें देखना है, थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी अभी मैंने लैपटॉप चालू करा हुआ है ना, तो इस चक्कर में। हाँ भैया मैं एच ही यहाँ पे ब्राउज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा ट्विटर ओपन हो गया एच पे। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ओपन न्यू, और ओपन न्यू करके यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ facebook.com, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा फेसबुक खुला, बट कहाँ पे खुला ये देखो। अभी मैं इस पे अगर ऐसे रखूँ तो यहाँ पे मेरा फेसबुक ओपन है। आप एक चीज गौर कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इससे बोलूँ कि ऐसा करो ओपन न्यू कर दो फेसबुक के बाद, मैं इससे कह देता हूँ तुम ओपन कर दो tumblr.com, ठीक है। आप देखते हैं तो यहाँ पे टम्बलर ओपन हो रहा है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, बट ओपन न्यू ने आपका करा क्या। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे चीजें दिख जाएंगी, पहला लेफ्ट साइड दिख रहा है फेसबुक और दूसरा दिख रहा है आपको साइन अप, मतलब साइन अप दिख रहा है टम्बलर का अकाउंट। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो इंस्टा ओपन न्यू होता है, ओपन न्यू क्या करता है, आपके पेज को ओपन कर देगा एक नए ब्राउजर विंडो पे, मतलब आपकी दूसरी विंडो पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे दो जनरेट, अभी मैं इसको दोबारा रन करूंगा, तीन विंडो आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे ओपन न्यू टैब पे। तो ओपन न्यू टैब क्या करता है कि कभी भी होता क्या है, आपने इसे गूगल सर्च करा, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, फेसबुक चलाना है, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि वो दूसरे टैब में ओपन हो जाए। तो ओपन न्यू टैब क्या करता है, ओपन द पेज इन अ न्यू ब्राउजर टैब, जो एक नया ब्राउजर ओपन करेगा उसका एक टैब ओपन कर देगा, एंड वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है हटा देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ, एंड हम लोग अपने आईडियली पे वापस आते हैं, एंड हम लोग ओपन न्यू टैब का यूज करेंगे। ओपन न्यू टैब में अब मैं कुछ भी यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे google.com दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा google.com ओपन हो गया। तो बस यही यहाँ पे यूज होता है वेब ब्राउजर मॉड्यूल का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ओपन, ओपन न्यू एंड ओपन न्यू टैब, तीनों तीनों का मतलब समझ गए। ओपन क्या कहता है, नॉर्मल कोई भी पेज ओपन कर देगा आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे। ओपन न्यू क्या करेगा, एक नई विंडो क्रिएट करेगा आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे, फिर वो पेज ओपन कर देगा। ओपन न्यू टैब क्या कहता है, एक नए ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करेगा एंड उसमें आपका यहाँ पे कॉन्टेंट सर्च करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं गेट पे। तो गेट पे आने से पहले आपका जो कन्फ्यूजन था अभी, मैं अभी तुरंत दूर होने वाला है गेट के यूज से। हम लोगों ने अभी तक क्या करा, डिफॉल्ट में ओपन करा, मगर मैं ऐसा एच कभी चलाते ही नहीं हूँ भाई, मैं तो अपना यहाँ पे फायर क्रोम चलाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फायरफॉक्स चलाते होंगे, तो उन लोग के लिए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये सब तो डिफॉल्ट में खोलना है, या तो वो लोग जाके सेटिंग से जाके चेंज करें अपना डिफॉल्ट ब्राउजर पे, यहाँ पे लगा दें क्रोम, तब जाके उनका काम हो, बट ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हमें अगर पर्टिकुलर, मान लो कोई बंदा बोलता है, कोई बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें उसको क्रोम में ही ओपन करना है, तब वो क्या करेगा, जैसे मैं क्रोम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रोम का एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग का यूज होता है गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या कहता है, टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर ब्राउजर, किसी पर्टिकुलर ब्राउजर को स्पेसिफाई करने में वो काम आता है, ठीक है। तो आते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा, गेट करो, गेट किसे करो। अब भाई एक हमारे, हम यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, chrome.exe। अगर हम यहाँ पे chrome.exe लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये भी चलेगा, बट चलेगा कब, तो ये चलेगा तभी जब जहाँ मेरी पाइथन 3.8.2 की जहाँ एप्लीकेशन फाइल पड़ी, जहाँ पे मेरी सारी फाइलें यहाँ पे स्टोर रही, वहाँ पे मेरा क्रोम पड़ा हो। बट अभी मैं इसको तो कहीं सेव कर नहीं रहा हूँ, और मान लो कि मैं फाइल बना के इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे, तो मेरे डेस्कटॉप पे chrome.exe पड़ा होना चाहिए, तभी चलेगा, बट अभी तो नहीं पड़ा है। तो अभी हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि उसको वो जगह ही नहीं मिल पा रही है, क्रोम की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे गेट का यूज़ करा, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया chrome.exe की जगह। अब यहाँ पे इसका पाथ देना पड़ेगा, तो मेरे कंप्यूटर में इसका जो पाथ है वो है आपका सी प्रोग्राम फाइल एंड गूगल क्रोम एप्लीकेशन ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करा, गेट कर लिया ये पाथ। अब इस पाथ को आपको कहीं सेव करना है, तो मान लो कि
अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रोम ओपन कर रहे हो, तो सी एच आर नाम से आपने किसी वेरिएबल पे यहाँ पे सी एच आर नहीं रखते, ये हमारा कीवर्ड है, सी एच रख लेते हैं, सी एच नाम सी एच इक्वल टू गेट, एंड हमने अपने क्रोम का पाथ दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर मुझे कुछ भी ओपन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी एच डॉट ओपन, ये चीज यहाँ पे गौर करना। मैंने अभी तक क्या कर रहा था, सिर्फ ओपन यहाँ पे ओ पी ई एन का यूज कर रहा था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर अपने क्रोम में ओपन करना है तो मैं लिखूंगा सी एच डॉट ओपन, एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा गूगल डॉट कॉम। तो अब जो मेरा ओपन होगा ब्राउजर वो होगा क्रोम ब्राउजर। अब आप देख पा रहे हो कि क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है, इससे पहले कौन सा ओपन हुआ था, एज ओपन हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज आपको फायदा देने वाली है। अब होगा क्या, ये अगर आपके हो सकता है फायरफॉक्स पढ़ा हो, तो आप लोग क्या करोगे, सी एच इज इक्वल टू गेट, एंड फायरफॉक्स आपके कंप्यूटर में कहाँ पे पढ़ा है आपको वो पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। आप पाथ दे दो, गेट क्या करेगा, उस पाथ से उसकी उसकी ई एक्सी फाइल को उठा लेगा, क्रोम की हो, फायरफॉक्स की हो, ओपेरा मिनी की हो, एंड उसको सी एच में जाके स्टोर कर देगा। अब जब भी आपको किसी पर्टिकुलर ब्राउजर के यूज करके कोई पेज ओपन करना है तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी एच डॉट ओपन। सेम आप यहाँ पे सी एच डॉट ओपन न्यू कर सकते हो, सी एच डॉट ओपन न्यू टैप कर सकते हो, और अगर आप सिंपल ओपन न्यू, ओपन न्यू, ओपन न्यू टैब, ये सब ओपन ऐसे इस तरह से लिखोगे तो ये आपका जो ओपन होगा डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन होगा, ठीक है। तो यही था हमारा वेब ब्राउजर मॉड्यूल, जिसमें हमने चार फंक्शन की बात करी, ओपन, ओपन न्यू टैब एंड गेट। यहाँ पे गेट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यही मेरा क्रोम का ये पाथ है जो मैंने यहाँ से कॉपी करा हुआ था अपने कोड पे। आपके में पाथ डिफर भी कर सकता है, तो आपको सर्च करना होगा पहले कि आपकी क्रोम डॉट एक्सी कहाँ पे स्टोर है, उसके बाद आप उस पाथ को कॉपी करके जब चलाओगे तो आपका कोड चल जाएगा।